एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है 10 प्लस कोर्सेज के अंतर्गत जो आपके यहाँ हिंदी विषय है, हिंदी विषय में हम हिंदी के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। उसमें हिंदी भाषा का इतिहास और साथ ही साथ आपके हिंदी साहित्य का इतिहास, दोनों पॉइंट को कवर किया जा रहा। इसमें हम इसके बाद हिंदी से संबंधित जो बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, उनको भी कवर करना है, क्योंकि उसमें साफ तौर पर आपका लिखा हुआ है कि जो है हिंदी भाषा का इतिहास आपके जो सिलेबस में है, और साथ ही साथ लिखा है कि आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, बोलियों जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित बोलियां, तो इन सारे क्षेत्रों को हम लोग कवर करेंगे यहां पर। तो बहुत कंसंट्रेट होकर चलना है यहां से। साहित्य के इतिहास से अगर मान लीजिए कि नंबर आप क्वेश्चन 40 हो गए या 25 हो गए, तो लगभग 3 प्रश्न इन संभाग से आपको मिलने की गुंजाइश होती है, ठीक है। हालांकि ट्रिपल एससी का जो नया सिलेबस है उनमें उसने लिख तो दिया है, लेकिन हिंदी भाषा के इतिहास से ही सवाल आपका पूछता है, ठीक है। ज्यादातर जो सवाल मिलेंगे वह हिंदी भाषा के इतिहास से मिलेंगे, यानी वहां आपसे एक आध क्वेश्चन हो सकता है ऐसे डाल दे कि जिसमें आपको ये पूछ ले कि फला जो है किताब के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, लेखाकार कौन है, इन्हीं सब पर हमें बात करना है। दूसरा फेज आपका शुरू हो चुका है, जिन्हें पिछले तीन महीने की यानी 15 जुलाई तक की क्लासेस चाहिए 3 महीने की, वो ले सकते हैं। जिन्हें अगले 3 महीने के लिए रजिस्टर करना है, क्योंकि ये क्लासेज एक बार समाप्त होंगी सारी विषय, उसके बाद फिर से सारे विषय चलने लगेंगे। यानी आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपको जीएस, रीजनिंग, ये सारी चीजें पढ़नी है, तो आप इसमें एडमिशन लीजिए। आपका मिनिमम 6 महीने तक, ठीक है, एक जो हमारा लगभग कवर करने की कोशिश होगी, लगभग 6 महीने के भीतर हम सारे कोर्सेज आपके समाप्त कर देंगे। इस तरीके से हम आपको यहां पर पूरी चीजें पढ़ाते हैं, और लेवल भी आपका 0 से लेकर सबसे एडवांस लेवल तक का कवर हो जाता है। तो किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें आपके ये सारे पोर्शन आ रहे हैं, तो उनके लिए आप यह कोर्स परचेज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बाकी आपको पुरानी जो है क्लासेस की वीडियोज पड़े हुए हैं चैनल पर ही, उनको देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप पुराना सब्सक्रिप्शन लेकर के पूरी नोट्स पा सकते हैं, और साथ ही साथ पूरी क्वेश्चन एसेस कर सकते हैं, आप पेमेंट करके वो कर सकते हैं ऐप से। बाकी हमारे जितने प्रोग्राम है उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। लोअर मेंस जो है प्रारंभ कर दिया जा चुका है संस्थान के द्वारा, तो उसमें आपको बाकायदा जो है शाम से लगभग क्लासेज मिलना प्रारंभ हो जाएंगी डेमो के तौर पर। बाकी फिर धीरे धीरे पूरी प्रक्रिया आपकी रनिंग होगी। बढ़ते हैं आगे। हिंदी में मैं आपको, हिंदी साहित्य में मैंने आपको तीनों काल डिवीजन बताया था मध्यकालीन हिंदी में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस कालखंड में कैसा कैसा हिंदी का पूरा जो है विस्तार रहा। आज हमें आधुनिककालीन हिंदी पर बात करनी है, यानी आधुनिकता के दौर में जब हिंदी आपको देखने को मिलती है, तो उसके समक्ष उस दौरान क्या क्या चुनौतियां रही, कौन कौन से हिंदी में बदलाव आए, तो हम उनको आधुनिकता से जोड़ दिए। इन सारी चीजों पर हमें चर्चा करनी है। यहां पर हिंदी के में जो रचनाएं होने लगी उनमें स्वरूपों में बदलाव देखने को मिलने लगा, जो जो आपके शब्द प्रयोग होने लगे उन शब्दों में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिला। तो आधुनिककालीन हिंदी की ओर बढ़ते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा सारे लोग, आज की जो आपकी हिंदी भैया आधुनिककालीन हिंदी है, इसमें सबसे पहली चीज ये, इससे पहले की सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, जैसे ही आपका ये हिंदी का आधुनिक काल आया, यहां तक आते आते क्या हुआ, जो ब्रज भाषा थी ये जन भाषा से काफी दूर हो चुकी थी। जो ब्रज भाषा पहले जिसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगी थी, वो भाषा आम लोगों की भाषा से दूर हो चुकी थी। साथ ही साथ अवधी ने तो बहुत पहले से ही साहित्य से मुंह मोड़ लिया, यानी साहित्य में जो रचनाएं होती थी अवधी उससे दूर हो गई, ठीक। मतलब आधुनिक काल में धीरे धीरे क्या होने लगा, मॉडर्न का मतलब क्या है, जब हम अंग्रेजी बोलने लगे। यहां पर अंग्रेजी सत्ता का महत्तम विस्तार आपको हर जगह पर होने लगा, पूरे भारत में अंग्रेजी सत्ता आ चुकी थी, ठीक। अब क्या बात होती है, इस राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव जो है मध्य देश की भाषा हिंदी पर भी पड़ा, ठीक है। मध्य देश पहले यही आंचल पूरा बोला जाता था, इसको मध्य देश बोलते थे, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे ही ये जो नई आपकी सारी परिस्थितियां आई, इसने खड़ी बोली को प्रोत्साहन प्रदान किया। अब हिंदी में जो अवधि में रचनाएं होती थी, जो आपकी ब्रज भाषा में रचनाएं होती थी, आम जनमानस की जो भाषा थी, उसका अब धीरे धीरे स्थान खड़ी बोली ने लेने लगा, ठीक है, लेना प्रारंभ किया। अब धीरे धीरे क्या होता है, आधुनिक काल के प्रारंभ में एक ओर उर्दू का प्रचार होने लगा, दूसरी ओर काव्य की भाषा ब्रज भाषा होने के कारण खड़ी बोली को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। जाहिर सी बात है, पहले तो सारी रचना उसी में चली मध्यकाल में, लेकिन जब आपका आधुनिक काल आया जहां पर अंग्रेजों का पूरा
ठीक है, अंग्रेजी का महत्व बढ़ने लगा तो वहां पर खड़ी बोली का प्रयोग ज्यादा होने लगा। ठीक है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है, कोई मार्केट में बना है, आप नया व्यवसाय शुरू करते हो तो कुछ दिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा भैया। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा ब्रांड है आप पहुंचे और सारी चीजें उतार दी और सब कुछ फिनिश हो गया। या इसके लिए क्या होता है, 20वीं सदी के अंत अब जो है आते आते खड़ी बोली गद्य पद्य दोनों की साहित्यिक भाषा बन गई। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब गद्य की भी भाषा बन गई, पद्य की भी भाषा बन गई, कविताएं भी उसमें रचना होने लगी और आपके नाटक भी उसमें लिखे जाने लगे खड़ी बोली में। अब क्या होता है भैया, इस युग में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आंदोलनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आगे मैं इनसे संबंधित आंदोलनों को भी बताऊंगा कि कौन से आपकी जो है तमाम ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत प्रचार प्रसार किया था। कांग्रेस का भी योगदान था, गांधी जी का भी योगदान था। अब क्या बात करते हैं, खड़ी बोली हर जगह आपकी चल रही, तो खड़ी बोली के बारे में चर्चा करते हैं। भैया खड़ी बोली ऐसे नहीं आई है, खड़ी बोली के बहुत सारे आपके क्या हुए हैं, रचनाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा उसको अपने साहित्य में उतारा, जिससे कि उसका स्वरूप समय समय पर एक अंतराल में धीरे धीरे बदलता हुआ आपका शिशुकाल से धीरे धीरे आपका जो है एक मतलब हम ये मान सकते परिपक्व अवस्था तक पहुंचा। तो वहां के बीच में बहुत सारे ऐसे आपके भिन्न भिन्न समयों में अलग अलग व्यक्तित्व आपके सामने आए जिनके नाम से उसको पूरा डिवाइड कर दिया गया, कालखंड विभाजित बना करके बनाया गया। सबसे पहले बात हम करेंगे भारतेंदु पूर्व युग की, यानी जब भारतेंदु आए इस साहित्य जगत में, उससे पहले क्या चलता था, उससे पहले कैसे कैसे भाषाओं का प्रयोग होता था। यहां से सवाल पूछता है तो कंसंट्रेट होकर सुनना। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम कॉलेज वहीं कलकत्ता वाला, इसके बाहर के दो रचनाकार, एक तो सदा सुखलाल, ठीक, इनका इन्होंने सुखसागर की रचना की, और दूसरे इंसा अल्लाह खान जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। ये दो ऐसे कलाकार थे तथा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के दो भाषा मुंशी, एक जिनका नाम आप जानते हैं लल्लू लाल जी, इन्होंने प्रेम सागर की रचना की, और एक आपके सदल मिश्र हैं जिन्होंने नासिकेतो फाख्यान की रचना की है। ठीक, ये चार व्यक्ति ऐसे हैं, दो आपके जो फोर्ट विलियम कॉलेज है कलकत्ता का इसके बाहर के व्यक्ति थे और दो इसमें इसके अंदर के व्यक्ति थे। ठीक, इन चार लोगों ने क्या किया, इन चार लोगों ने सबसे पहले खड़ी बोली में जितनी रचनाएं हैं इनको प्रयोग में लाना प्रारंभ किया और यहीं से इन्हीं का नाम इसीलिए आता है। तो भारतेंदु पूर्व युग में चार आपके रहे, दो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर के व्यक्ति थे, दो उसके बाहर के, जिन्होंने खड़ी बोली को अपनी भाषा शैली में प्रयोग करना शुरू किया, प्रारंभ किया। अब क्या होता है, इसी में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस युग के दो प्रसिद्ध लेखक हैं, एक तो आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनको बोला जाता है और दूसरा जो है राजा लक्ष्मण सिंह, ये दोनों लोग काफी उच्च कोटि के विद्वान थे। इन्होंने क्या किया, हिंदी के स्वरूप निर्धारण के प्रश्न पर दो सीमांतों का अनुगमन किया। ठीक है, जो ये आपके राजा शिव प्रसाद हैं, इन्होंने हिंदी का गवारूपन दूर कर उसमें उर्दू ये मुअल्ला बना दिया उसे, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया। ठीक, पहले हिंदी आपकी आम जनमानस की मतलब जैसे जैसे अपभ्रंश से टूटती हुई आई तो अपभ्रंश के कुछ शब्द रह जाएंगे ना, ठीक, हर जगह की क्षेत्रीय जो आपकी बोलियां हैं उनका प्रभाव रह जाएगा, तो उन सारी चीजों को पहले कोशिश की गई कि इनको हम हिंदी के शब्दों में इनका अलग से विभाजन कर दें, इनको अलग कर दें ताकि जो हिंदी के शब्द रहे वह अपने आप में विशुद्ध हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा युग आता है, ये तो भारतेंदु के पहले का है, तो छह व्यक्तियों का नाम याद रखना, भारतेंदु पूर्व युग में, दो कलकत्ता के अंदर के, दो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के, और दो आपके, एक तो शिव प्रसाद आपके और दूसरे लक्ष्मण प्रसाद, इन चार छह लोगों का नाम आपको याद रखना है भारतेंदु पूर्व युग के जो है रचनाकारों में, समझ गए, छह लोग बस इतना। आगे बढ़ते हैं, आप भारतेंदु युग जिसको जो ड्यूरेशन काल है इसका मतलब समय काल है, समय अंतराल है, ये 1850 ईस्वी से 1900 के युग को, 50 साल के युग को भारतेंदु युग के श्रेणी में रखा गया। इसमें क्या हुआ, देखो भैया, इन दोनों के बीच सर्वमान्य हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा कर गद्य साहित्य की विविध विधाओं को ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में प्रारंभ हुआ। ठीक है, गद्य साहित्य को लेकर के हिंदी में जो एकदम प्रतिष्ठा हम मान सकते हैं, हिंदी ने अपनी प्रतिष्ठा बनाई, वो इसी में प्रारंभ हुआ भारतेंदु युग में। दूसरी बात, हिंदी सही मायने में भारतेंदु के काल में नई चाल में ढली,
इस लाइन पर गौर करिएगा, नई चाल में ढली, मतलब अब जो रचना होने लगी उसमें नए नए शब्दों, एक विशुद्ध पारितोषिक आप बोल सकते हो हिंदी यहां देखने को मिलने लगी। दूसरी बात भैया, आगे क्या होता है, इन्हीं के समय काल में हिंदी के गद्य के बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ, मतलब यहीं से हिंदी गद्य आपका जो है बहुत अलग अलग क्षेत्रों को कवर करना प्रारंभ करता है। इसके अलावा अगर देखें भारतीय युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि गद्य रचना के लिए, यह सवाल पूछा है, गद्य रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम रूप में अपनाकर युगानुरूप यानी वो समय के अनुरूप स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया गया। ठीक, तो गद्य में तो यह प्रयोग होने लगा, लेकिन पद्य जो रचना है इसके मामले में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहां से सवाल आया है, पद्य रचना के मामले में ब्रजभाषा या खड़ी बोली को अपनाने के प्रश्न पर विवाद बना रहा। तो भारतेंदु युग में गद्य शैली में तो खड़ी बोली आ गई, लेकिन पद्य शैली में खड़ी बोली द्विवेदी युग में जाकर के आई है सही से प्रयोग में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द्विवेदी युग को पढ़ते हैं, ये 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक का काल माना जाता है द्विवेदी युग का। इसमें भैया हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक तो खड़ी बोली और दूसरा हिंदी साहित्य के सौभाग्य से 1903 की बात है, 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती जो है पत्रिका के संपादक का भार संभाला था। यह पूछता है सरस्वती पत्रिका का संपादक किसने, जो है संपादन किसने किया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। जब इन्होंने, इसीलिए इसको द्विवेदी युग बोला गया, ये द्विवेदी जी थे तो इसको द्विवेदी युग कहा गया। इसमें क्या होता है, ये सरल और शुद्ध हिंदी, ठीक है, या उसके भाषा के हिमायती थे, हमेशा ये चाहते थे भैया सरल शब्दों का प्रयोग करो और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करो। ठीक, और जाहिर सी बात है जब कोई पत्रिका प्रकाशित करेगा लोग उसको पढ़ेंगे, शब्दों को देखेंगे तो वो नए नए शब्दों को सीखेंगे, उसका प्रभाव पड़ता है समाज पर। अब क्या हुआ, वह लेखकों की वर्तनी अथवा व्याकरण संबंधी त्रुटियों का संशोधन स्वयं करते चलते थे। ठीक है, उन्होंने हिंदी के परिष्कार का बीड़ा उठाया और बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने कहा हम हिंदी को परिष्कृत करेंगे, शुद्ध करेंगे, इसको अपमार्जित रूप में लोगों के सामने लाएंगे, और वह पूरा तरीका उन्होंने, जब तक सारी उनकी जो है लेखनी चलती रही तब तक उन्होंने बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल किया। अब क्या होता है धीरे धीरे इसके बाद, इसमें अन्य जो आपके रहे रचनाकार उनमें जो नाम बना, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, पद्म जो है सिंह शर्मा है, माधव प्रसाद मिश्र है, पूर्ण सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, इन सभी के अवदान इसमें है द्विवेदी युग में। ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ पीड़ा उठाया, उनके साथ आसपास उस समय भी लोग रचनाएं कर रहे थे तो उनका भी योगदान इस युग में आता है। इसके बाद भैया छायावाद युग आ जाता है, पूछता है कि निम्न में से कौन छायावाद युग का आपका कवि है, पहचानिए, चार ऑप्शन में से ढूंढना होता तो छायावाद युग किसको कहा गया, देखो नाम जैसा है छायावाद, किसी की परछाई पड़ना। ठीक, अब द्विवेदी युग के जस्ट बाद छायावाद युग आ रहा है, यहां पर समझिए ये 1918 से 36 के बीच दौरान का माना जाता है पूरा यह आपका समयकाल। इसके बाद क्या होता है, 1936 के बाद भी इसका प्रभाव रहा। अब छायावाद में समझिए, साहित्यिक जो खड़ी बोली थी हिंदी के विकास में, छायावाद युग का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद हो गए, पंत हो गए, ठीक, और निराला जी हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, इन सभी का, साथ ही साथ रामकुमार वर्मा हो गए, आदि जितने भी इसमें लेखक हैं इनका बहुत महती योगदान है। मातु का आपका क्या होता है, बहुवचन महती होता है। इनकी रचनाओं को देखते हुए या कोई नहीं कह सकता कि खड़ी बोली सूक्ष्म भाव को अभिव्यक्त करने में ब्रजभाषा से कम समर्थ है। पहले यह माना जाता था ब्रजभाषा ही क्या कर सकती है, बहुत छोटे छोटे शब्दों को आपके समझा सकती है, संभाल सकती है, लेकिन जब इन लोगों ने रचनाओं को जो है शुरू किया, रचना प्रारंभ की, तो इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों से जो है पूरी रचना शैली को परिष्कृत किया कि उसको पढ़ने के बाद वाकई जो ब्रजभाषा का जो है स्थान रहा वह खड़ी बोली लेना प्रारंभ कर दी। अब क्या होता है भैया, हिंदी में अनेक भाषाई गुणों का समावेश हुआ, अभिव्यंजना की विविधता आई, बिंबों की लाक्षणिकता आई, ठीक, ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, छायावाद के युग के बाद एक आया था छाया से प्रगति की ओर, ठीक है, प्रगतिवाद युग, इसको 36 से लेकर 46 तक बोला गया, और उसके बाद प्रगति के बाद प्रयोगवाद युग बोला जाता, 1943 से इसकी शुरुआत होती है। इन सभी का जो है छायावाद युग के बाद ही प्रभाव पड़ा जो है आना हुआ है, और इसमें कुछ ना कुछ विशेष हुआ, इसलिए इनका नाम भी अलग है, कालखंड भी अलग है। इस दौर में खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में उत्तरोत्तर विकास होता गया, मतलब
लगातार ऊपर की ओर ये बढ़ती रही खड़ी बोली। अब हम बात करते हैं यहां पर, देखो भैया पद्म के ही नहीं गद्य के संदर्भ में भी छायावाद युग साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग था। अगर कहीं आपसे पूछ ले कौन सा युग साहित्यिक खड़ी बोली का जो है विकास का स्वर्ण युग है, तो वह छायावाद युग है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज देखो, मैं वही फोकस कर रहा हूं जहां से सवाल बनते हैं, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं बता रहा क्योंकि आपको परीक्षा पास करनी है, इस साहित्य में आपको बहुत कुछ नहीं सीखना है, जहां से हमें क्वेश्चन मिल जाए हमारे पढ़ने का तरीका वो होना चाहिए। देखिए दूसरी बात याद रखिए, जो कथा साहित्य थी जैसे उपन्यास हो गई, कहानी हो गई, इसमें प्रेमचंद, नाटक में जयशंकर, ठीक, आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका बहुत बड़ा योगदान है भैया। इन लोगों ने क्या की, भाषा शैली और मर्यादाएं स्थापित की और इनका अनुसरण आगे सारे लोग करते चले गए। इन्होंने जिस शैली में लिखना प्रारंभ किया, जो कटाक्ष किया, अब रामचंद्र शुक्ल ने आलोचनाएं लिखना प्रारंभ किया लेखकों के बारे में, तो सारे लोग उससे सीखते रहे, उन्होंने अपनी भाषा शैली में उस चीज का सुधार किया। अब इसके बाद क्या होता है, हिंदी के विभिन्न नाम या रूप देख लें, ठीक, कौन कौन से नाम हिंदी में हिंदी के लिए प्रयुक्त होते रहे, अलग अलग जो आपके प्रदेश हैं, ठीक, उन पर हिंदी को लेकर के अलग अलग लेखकों का मत रहा। तो हिंदी को लेकर के देखिए, एक इसका शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है हिंदवी या हिंदवी, या फिर आपका जबाने हिंदी या देहलवी, इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, सभी का मतलब एक है इसलिए सभी को एक साथ लिखा गया। बात है मध्यकाल की, मध्यकाल में मध्यदेश मतलब यही वो मध्य प्रदेश मत समझ लेना, कि हिंदुओं की भाषा जिसे अरबी फारसी शब्दों का अभाव है, सर्वप्रथम अरमीर खुसरो ने जो 53 से 25 ठीक इनका टाइम पीरियड रहा, ने मध्य देश की भाषा के लिए का हिंदवी शब्द या हिंदी शब्द का जो है प्रयोग किया, तो हिंदवी शब्द या हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया, अमीर खुसरो ने, ये सवाल पूछता है। दूसरी बात, उन्होंने देसी भाषा हिंदवी हिंदी की प्रचार प्रसार के लिए एक फारसी हिंदी कोश जिसका नाम है खालिक बारी, ये सवाल पूछा है, खालिक बारी की रचना की थी अमीर खुसरो ने। अगली चीज, जिसमें हिंदवी शब्द इन्होंने 30 बार, हिंदी शब्द 5 बार और देसी भाषा के लिए इन्होंने, इसके लिए हिंदवी और हिंदी दोनों प्रयुक्त किया, जहां देसी भाषा लिखनी चाहिए वहां उन्होंने हिंदवी लिखा या हिंदी लिखा, तो अमीर खुसरो को, ठीक, इन्होंने किसकी स्थापना, खालिक बारी की और सबसे पहले प्रयोग भी इन्होंने ही प्रारंभ किया था, इस बात को ध्यान रखना, यह सवाल पूछा गया है। अगली चीज, हिंदी के लिए भाषा और भाखा शब्द प्रयोग होता है, कौन से कवि किया, विद्यापति का नाम है, कबीर जी का नाम है, तुलसी, केशवदास, इन सभी ने जो है भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया। 19वीं सदी के प्रारंभ तक इस शब्द का प्रयोग होता रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी अध्यापकों को भाषा मुंशी के नाम से अभिहित करना इसका सूचक है, उनको ये नहीं कहते थे कि ये हिंदी के जो है शिक्षक हैं, उनको भाषा जो है क्या बोलते थे, भाषा मुंशी कहते थे, ठीक है। रेखता हिंदी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, रेखता भैया ये मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा है, इसको रेखता बोला गया, ठीक है, जैसे मीर गालिब की रचनाएं हो गई, ठीक है, इन सभी को मीर की और गालिब की। आगे बढ़ते हैं, दक्कनी या दक्कनी हिंदी को बोला जाता है, दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा दक्कनी कहलाती है, ठीक है। हिंदी में गद्य रचना परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय जो है दक्कनी हिंदी के रचनाकारों को ही है, यह सवाल पूछा है भैया, ठीक है, कि गद्य रचना परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किन कवियों को है, तो दक्कनी हिंदी के रचनाकारों ने ही सबसे पहले इसका प्रयोग प्रारंभ किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। दक्कनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय किसको है, वली दक्कनी इनका नाम है, उत्तरी भारत मतलब इस तरफ लाने में श्रेय सबसे बड़ा इन्हीं का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वह मुगल शासन काल में दिल्ली पहुंचा और उत्तरी भारत में दक्कनी हिंदी को लोकप्रिय बनाया, इसने रचनाएं प्रारंभ की, तो जाहिर सी बात है वहीं से वह धीरे धीरे लोकप्रिय होगी, आम जनमानस में पहुंचेगी। खड़ी बोली में 3 शैलियां हैं, ठीक है, एक तो आपका हिंदी या शुद्ध हिंदी या उच्च हिंदी या नागरी हिंदी या आर्य भाषा इसको बोलते, इसमें भैया नागरी लिपि में लिखे संस्कृत बहुल खड़ी बोली होती है, इसको इसलिए नाम दिया गया। दूसरा होता है आपका उर्दू या जबाने उर्दू या जबाने उर्दू मुअल्ला बोलते हैं, यह फारसी जो है उसमें लिपि में लिखी है, अरबी फारसी बहुल खड़ी बोली होती है, जिसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको उसी अनुसार उनके प्रयोगकर्ताओं ने नाम दे दिया और वहीं पर हम उनके अलग अलग नामों को पढ़ने लगते हैं। तीसरी जो इसकी अपनी शैली है यह हिंदुस्तानी है, बाद में इसको लेकर के बड़ी चीजें चली। हिंदी उर्दू शैली का मिश्रित रूप व आम जन द्वारा प्रयुक्त है, जैसे प्रेमचंद की रचना हो गई, ठीक,
वो सारी चीजों को क्या बोला गया, इस भाषा को हिंदुस्तानी भाषा कहा गया। स्वतंत्रता के बाद जब बात आती है कि अच्छा किसको भारत की राजभाषा राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तो कोई हिंदुस्तानी बोल रहा, कोई हिंदी बोल रहा, ठीक, इन सारी चीजों को लेकर बड़ा मतभेद रहा। तो उसमें बाद में सारे तरीके सुझाए गए हैं। अब हिंदी के विभिन्न अर्थ में, ठीक, ये तो आपसे सवाल पूछता नहीं है, जो हमें पढ़ना है वही चीजें। सबसे पहले अब हम बात करते हैं नेशनल लैंग्वेज क्या है, राष्ट्रभाषा क्या होती है। राजभाषा राष्ट्रभाषा में फर्क है। राष्ट्रभाषा आपकी वह होती है भैया, इसका अर्थ होता है कि समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, मतलब जो आम जनमानस की बोलचाल की भाषा है वह राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है, समझ गए। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक, इसमें सारी चीजें राष्ट्रभाषा के अंतर्गत हैं। उसके बाद अगर दूसरी चीज इसमें बढ़े तो राष्ट्रभाषा को लेकर के बहुत अलग अलग लोगों को आपको योगदान मिलेगा। राष्ट्रभाषा में अंग्रेजों का भी योगदान है। ठीक, अंग्रेजों का योगदान क्या है, समझिए इसको। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा, लिंक लैंग्वेज होती है, मतलब हम कहीं जाएं तो अपनी बात को दूसरे से कह सके, वो मेरी बात को समझ पाए। ठीक, हिंदी दीर्घकाल से सारे देश में जन जन के पारस्परिक संपर्क की भाषा रही है। ठीक है, यह केवल उत्तर भारत की ही भाषा नहीं, दक्षिण भारत के आचार्यों, वल्लभाचार्य, रामानुज, ठीक, आज सभी लोगों ने प्रचार प्रसार के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया। ठीक, अहिंदी भाषी जो राज्यों के भक्त संत कवि हैं, जैसे असम के शंकरदेव हो गए, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर और राम नामदेव को ले लीजिए, गुजरात के आपके नरसिंह मेहता हो गए, बंगाल के चैतन्य हो गए, इन लोगों ने भी हिंदी भाषा में ही अपना प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। ठीक, अब धीरे धीरे क्या बात आती है, जब जनता के बीच में भैया और सरकार के बीच में कोई भाषा पहले से ही चल रही है, ठीक, तो उसी भाषा को सारे लोग तो अपना जो है प्रयोग में लाएंगे। अब क्या होता है, फारसी या अंग्रेजी के माध्यम से दिक्कतें पेश आई तो कंपनी सरकार ने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग खोल दिया। जब भाई यहां के लोग अंग्रेजी तो जानते नहीं, फारसी तो जानते नहीं, तो यहां के लोग हिंदी जानते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया भैया कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग खोल दिया और अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था प्रारंभ की कि भैया आप लोग हिंदी सीखिए ताकि हम आम जनमानस के भाषा को समझ पाए। ठीक है, एक सीटी मेटकॉफ रहे, इन्होंने 1806 ईस्वी में अपने गुरु, जिनका बहुत बड़ा योगदान अपने भारत में हिंदी को लेकर भी है, जिनका नाम है जॉन जो है क्राइस्ट, इनको एक लिखा था कि आपने जो भी भाषा मुझे सिखाई उस भाषा को लेकर के मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक चला जाऊं तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यह आम जनमानस की भाषा है, उस भाषा को सारे लोग समझते हैं, सारे लोग बोलते हैं, तो अपने आप में बड़ी चीज है भाई, एक लैंग्वेज आप सीख के चले जाओ हर जगह आपका काम बन जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टॉमस सरोबक हैं, 1807 में इन्होंने भी लिखा कि जैसे इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन सेक्शन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे भारत आने वालों को अरबी फारसी या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए। ठीक है, उन्हें अरबी फारसी नहीं, उन्हें हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए, ये चीज सलाह दी थी। ऐसे बहुत सारे आपके लोग हैं जिन्होंने हिंदी को लेकर अलग अलग सारी चीजें लिखी। अब हम बात करते हैं धर्म समाज सुधारकों का योगदान क्या रहा, जिनके बारे में आपने पढ़ा भी है हिंदी को लेकर। देखिए भैया, धर्म समाज सुधारक जो थे आपके, धर्म या समाज सुधारक, इन्होंने हिंदी के महत्व को भापा और हिंदी की हिमायत की इन लोगों ने, कि हिंदी जो है आम जनमानस की भाषा बननी ही बननी चाहिए। सबसे पहला जो नाम आता है ब्रह्म समाज का नाम आता है, योगदान आता है, 1828 के जो है बात है, इनके जो संस्थापक रहे राजा राम मोहन राय ने क्या बोला, कहा कि इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ये राजा राम मोहन राय की जो है लैंग्वेज है, भाषा है। ब्रह्म सामाजिक केशव चंद सेन ने 1875 में एक लेख लिखा था और उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय एकता कैसे हो, जिसमें उन्होंने लिखा उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार हो। भाई हम अपनी भाषा को, अपने सारी आचार विचार को दूसरों को समझा ले जाएं, वही तो बेस्ट है। अब पता चले कि अब इधर से आप कभी दक्षिण भारत जाओगे तो बड़ी दिक्कत आती है वहां पर भी। ठीक है, वहां ठीक है, कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर ना तो वो अंग्रेजी सीखने को जो है ना अंग्रेजी आपकी सुनेंगे, ना वो आपकी हिंदी सुनेंगे, उन्हें बस वही चाहिए जो उनके कन्नड़ है, जो कुछ है। ठीक है, मैं फंसा हूं ऐसी स्थिति में तो बड़ी दिक्कतें आती है, किसी तरीके से वो समझ पाते हैं कि आप अपने भावों को कैसे व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो होते हैं जहां आपको इंग्लिश वहां चल जाएगी, काम चल जाएगी, लेकिन दिक्कतें आती, तो इसीलिए बात ये चल रही थी, बाद में यही
उत्तर भारत और दक्षिण भारत में क्या हुआ कि कुछ लोगों को ये गांधी जी ने व्यवस्था बनाई थी कि 10 लोगों का समूह जाएगा दक्षिण भारत, वहां की भाषा सीखेगा, और 10 लोगों का समूह दक्षिण भारत से उत्तर भारत आएगा, यहाँ की भाषा सीखेगा। यही चीजें जो दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं, इन चीजों को दूर करने का प्रयास किया गया था। आगे बात करते हैं आर्य समाज के योगदान को लेकर के, तो आर्य समाज के संस्थापक जानते हैं दयानंद सरस्वती, ये गुजराती भाषी थे, ठीक है, ये गुजराती व संस्कृत के अच्छे जानकार भी थे। हिंदी का उन्हें सिर्फ काम चलाओ ज्ञान था, पर अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए तथा सारे देश की एकता को मजबूत करने के लिए उन्होंने सारा धार्मिक साहित्य किसमें लिखा, हिंदी में लिख डाला। ठीक, अब जाहिर सी बात है कोई अगर इस तरीके से हिंदी को व्यापक तौर पर प्रयोग कर रहा है तो वह पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करेगा। आगे भी यही चीजें चली, ठीक है, अरविंद दर्शन के प्रणेता आपके अरविंद घोष जी की भी सलाह यही थी कि लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें। ये तमाम आपके ऐसे जो है सारे लेखकों का योगदान रहा समय समय पर, जिनसे कि हिंदी को बड़ा बल मिला। थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करें, एनी बेसेंट इसको चलाती थी, संस्थापना की थी, संचालिका थी। भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएं बोली जाती उनमें एक ऐसी भाषा है जो से सभी भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है, और वह क्या है, वह आपकी हिंदी ही थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कांग्रेस के नेताओं का योगदान ये कभी आपसे नहीं पूछेगा, हालांकि महात्मा गांधी को लेकर के पूछता है। तो इसमें एक चीज आप जानिए, भड़ौच में, भड़ौच मतलब गुजरात, 1917 में आपका एक आंदोलन था, ठीक, गुजरात शिक्षा परिषद का अधिवेशन के सभापति के रूप में पद से भाषण देते हुए बोले थे गांधी जी ने, क्या कहा था कि राष्ट्रभाषा के लिए 5 लक्षण या शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि अमलदार जो राजकीय अधिकारी हैं उनके लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा किसको बनाया जाए इस पर जब मंथन चल रहा था तो गांधी जी ने कहा। दूसरी ये कहा कि यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों, भैया राष्ट्रभाषा तभी तो उसको बोलेंगे। तीसरी बात इन्होंने कहा कि उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का अपना धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए, ठीक। और चौथी चीज उन्होंने कहा राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए, और पांचवी चीज उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षण या अस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देनी चाहिए। ये गांधी जी के अपने मानक रहे थे इन चीजों को लेकर कि राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए। तो उम्मीद है राष्ट्रभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके बाद बहुत सारी चीजें हैं जहां से प्रश्न पूछता है, ठीक, कुछ आंदोलन भी हुए हैं इसमें, जैसे इनके बारे में तो आप सारे लोग जानते हैं, राष्ट्रभाषा आंदोलन या हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। तो पहला तो आपका ब्रह्म समाज ही है, इसको आपने पढ़ा भी होगा, मुख्यालय कलकत्ता है, स्थापना 28 में है, राजा राम मोहन राय ने की है। प्रार्थना समाज ने भी हिंदी के लिए संघर्ष किया, बंबई में इसका मुख्यालय 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंगू ने इसकी स्थापना की है। ये सवाल हर जगह आपके आते हैं, इन सभी का आपका योगदान भी है किसमें, हिंदी में, हिंदी के विकास काल को लेकर के। आर्य समाज है, बंबई में इसका मुख्यालय है, 1875 की बात है, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई है। वही चीज थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करें, इसका ये पूछा है मुख्यालय या डीआर मद्रास में पड़ता है, 82 में स्थापित है। इसमें कर्नल जो है एचएस अलकार्ट और मैडम ब्लावस्ती, इन दोनों का योगदान रहा इसके जो है संस्थापना में। ऐसे सनातन धर्म सभा है, ठीक, ये मुख्यालय इसका वाराणसी में पड़ता है, 1895 ईस्वी में जो है स्थापना हुई दीनदयाल शर्मा जी के द्वारा। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे रामकृष्ण मिशन है, बेल्लूर में इसका मुख्यालय पड़ता, 1997 में स्थापना हुई विवेकानंद जी के द्वारा। इन सारी संस्थाओं से संबंधित सवाल आपसे पूछ लेता है, हिंदी में जिनका योगदान रहा है वहां से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित आपके हैं, ठीक, इसमें से इनका मुख्यालय पूछा है और स्थापना पूछा है, योगदान तो नहीं पूछा है लेकिन मुख्यालय और इनकी स्थापना को लेकर सवाल पूछा है। ध्यान दीजिए, जैसे पहली आपकी है नागरी प्रशांडी सभा, इसका मुख्यालय भैया काशी या बनारस में, यह सवाल आया हुआ है SSSC। अब देखिए जो इसमें राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित साहित्यिक संस्था है जिसका नाम है नागरी प्रशांडी सभा, मुख्यालय कहाँ है, काशी या बनारस में है, स्थापना 1893 में हुई है और संस्थापक 3 लोगों हैं। इसमें पूछा है श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र व शिव कुमार सिंह। त्रयी को याद रखना, त्रयी से भी संबंधित सवाल पूछा है कि हिंदी साहित्य में त्रयी किन को बोला जाता है।
तो इसमें श्याम सुंदर दास हैं, राम नारायण मिश्र हैं और शिव कुमार सिंह हैं। दूसरी चीज, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है इसकी स्थापना प्रयाग में हुई है 1910 में। इसके प्रथम सभापति पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। और एक आपका गुजरात विद्यापीठ है, इसकी स्थापना जो है इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है, स्थापना 1920 में इसकी हुई थी। ठीक है, अगली चीज बात करते हैं बिहार विद्यापीठ की। ये मुख्यालय पटना में है, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। इनसे सवाल पूछा इसलिए भैया याद रखना, गलत मत करना आगे। हिंदुस्तान अकेडमी की बात करें, इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई है 1927 में। ठीक है, 1927 में इसकी स्थापना की गई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ठीक है, इसकी मुख्यालय जो है मद्रास में है, 1927 में यह स्थापित किया गया था। ये सारी स्थापनाएं साहित्यिक प्रचार प्रसार को, ठीक है, जोर देने के लिए बनाई गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है आपका हिंदी विद्यापीठ, इसका मुख्यालय देवघर में पड़ता है और 1929 में इसकी स्थापना की गई है। ऐसे एक आपकी समिति है, यह पूछा है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इसका मुख्यालय पूछा था कहां है, ये वर्धा में पड़ता है, 1936 में स्थापित हुआ है। ठीक है, ऐसे आपका महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा समिति है, मुख्यालय पुणे में है, 1937 में स्थापित है। बंबई हिंदी विद्यापीठ है, बंबई इसका मुख्यालय है, 38 में स्थापित है। ऐसे असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, गुवाहाटी इसका मुख्यालय है, 1938 में स्थापित है। इन सभी से एक अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, 1964 में स्थापित रहा। इन सभी से आपसे सवाल पूछे गए हैं, इसको तो ध्यान ही रखना। नागरी लिपि परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है, 1875 में इसकी स्थापना की गई है। तो ये संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में अपना बहुत विशेष योगदान दिया, इन्हीं के लिए इनकी स्थापना भी की गई थी। तो इसमें मुख्यालय से सवाल पूछा है और स्थापना से सवाल पूछा है। ठीक है, अब इसमें यहां से तो चीजें राष्ट्रभाषा आंदोलन से तो सवाल उत्तर नहीं पूछता है, तो वो चीजें आपको नहीं पढ़ना है, उतना जरूरी नहीं है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो है राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहली बात आती है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा क्या है। ठीक है, देखो भैया, राजभाषा का अर्थ होता है कि राजकाज की भाषा। हर एक प्रदेश में, अपने यहां अभी भी नागालैंड जैसे प्रदेश है जहां की राजकीय भाषा अलग है, ठीक है, अंग्रेजी भी आपको वहां पर जो है राजकीय भाषा के तौर पर मिल जाएगी, ऑप्शन के तौर पर। बाकी अलग अलग हर एक प्रदेश हो, गोवा जैसा प्रदेश है, ऐसे सब जगह पर तो राजकीय भाषा अलग होती है, राष्ट्रभाषा अलग होती है। इस चीज को हमेशा दिमाग में स्पष्ट किए रहिएगा, कंफ्यूज मत होना। राजकाज की भाषा जो होती है ये राजभाषा कहलाती है, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त हो वह राजभाषा कहलाती। राजाओं नवाबों के जमाने में इसको दरबारी भाषा बोलते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में, हिंदी की संवैधानिक स्थिति की समीक्षा, ये सारी चीजें जो है इन सभी पर हम लोग बात करेंगे कल, क्योंकि इससे सवाल पूछ लेता है कि हिंदी में जो है किस अनुच्छेद में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए व्याख्या की गई राजभाषा के तौर पर, इन सारी चीजों से सवाल पूछता है। तो इसमें अब कल जो है आपका एक लेक्चर और होगा, उसके बाद आपका साहित्य समाप्त हो जाएगा, फिर पूरी कंबाइंड नोट्स आपको इसके लिए दे देंगे, ठीक, जो आप प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर अगले फेज में फिर से हिंदी पढ़ाऊंगा, कुछ नई चीजों के साथ होंगी, तो इसमें सारी चीजें जो सब्जेक्ट बाकी हैं वो सब कुछ आपकी कवर होती रहेंगी। ठीक है, उम्मीद है जितनी चीजें मैंने बताई उसमें बहुत सारी चीजें आपकी जो कंफ्यूजन बनी थी वो स्पष्ट हो गई। ठीक है, पढ़िए भैया वो जो आपके काम लायक हो, नहीं तो साहित्य तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना आपसे आपका काम बनना है। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।